Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum This is the fourth part of this main topic, types of animal systematic. Our fourth lecture of this main topic, type of animal systematics. In this, we will discuss the cladogram with examples because in the previous be in the lecture before this one that is in part 3 we had discussed the cladistic a third type of animal systematic no cladogram is the output of cladistic kya matlab क्लैडिटिक्स वाले अपने काम को प्रेजेंट करते हैं अपनी रिसर्च की यानी जब ग्रुपिंग वगैरह कर लेते स्टडी कर लेते हैं तो वो एक क्लैडोग्राम के बेस पे, क्लैडोग्राम की शक्ल में अपने रिसर्च का एक प्रोडक्ट बना देते हैं मतलब एक स्पेशल ट्री डायग्राम बना देते हैं जिसके थ्रू वो डिपेक्ट करते हैं उस एनिमल्स के ग्रुप के दरमियान रिलेशनशिप रिलेशनशिप तो क्लैडोग्राम इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री यू कैन से अ ट्री डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑफ द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम ठीक है तो क्लेडोग्राम इस वजह से यहाँ पे ब्रीफली हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है फिर वो ट्री डायग्राम है तो उस पर मैं एक लेक्चर फिर लूँगा यहाँ पे जस्ट कि क्लैडिस्टिक वाले अपने काम को किस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं यानी ये क्लैडिस्टिक के आउटपुट प्रोडक्ट होता है यानी वो जब एवोल्यूशनरी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का अंदाज़ा लगाते हैं तो पूरी स्टडी करने के बाद वो एक डायग्राम बना देते हैं उस डायग्राम को क्लेडोग्राम कहते हैं जिस तरह हमने एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स वालों के लिए पढ़ाता कि वो अपने काम को प्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में फाइलोजेनेटिक ट्री के यानी जो ट्रेडिशनल ट्री डायग्राम है यह मॉडर्न ट्री डायग्राम है क्लेडोग्राम तो इसमें और उसमें इस फ़र्क क्या है वो फिर हम बाद में पढ़ेंगे यहाँ पे सिर्फ कि फाइलोजेनेटिक ट्री फा, सॉरी फाइलोजेनेटिक्स या फाइलोजेनेटिक सिस्टेमेटिक्स अपने काम को किस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं यानी एक ट्री डायग्राम के फॉर्म में वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप शो करते हैं प्रेजेंट करते हैं यानी जो क्लासिफिकेशन वगैरह कर लेते हैं और उसमें इन उनके सब ग्रुप्स में उस बड़े ग्रुप के अंदर सब ग्रुप्स के दरमियान रिलेशनशिप शो करना ये इनके लिए क्लैडोग्राम यूज करते हैं ठीक है एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जिसको हम क्लैडोग्राम कहते हैं सो क्लैडोग्राम फर्स्ट ठीक है फिर आगे हम इसको एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे ठीक है तकरीबन सब एक जैसे एग्जाम्पल है लेकिन सिर्फ कैरेक्टर्स कुछ डिफरेंट पेन पॉइंटेड है इस वजह से मैंने अलग लिया है ठीक है तो वट इज़ क्लेडोग्राम फर्स्ट द हाइपोथेटिकल लीनेज शोन इन डायग्राम इज कॉल्ड क्लैडोग्राम यानी कौन सा डायग्राम तो ये आप देख सकते हैं दिस इज हाइपोथेटिकल लीनेज हाइपोथेटिकल यानी हाइपोथेसिस के बेस्ट ऑन हाइपोथेसिस जो शो करता है क्या हाइपोथेटिकली अ अनेज शो करते लीनेज क्या है शजर नसब जिसे हम कहते हैं शजरा तो एक स्पीशी का एंसेस्ट्रल हिस्ट्री इसको फाइलिटिक लीनेज कहते हैं कि वो स्पीशी किस तरह बनी है किन एवोल्यूशनरी स्टेज से गुजरी है और किन किन स्पीशी यानी हम कहते कि कोडेट का एक एंसेस्टर था ठीक है और वो कोडेट का एंसेस्टर उससे मैमल्स किस स्टेप्स के थ्रू बने किस रास्ते के थ्रू बने दरमियान में कौन कौन सी स्पीशीज कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं कौन कौन से फीचर वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं तो लिंक करवाना ठीक फाइलेटिक लीनज कैसे कहते हैं अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट इसको जिन शजर न साहब के हमारे अब वजदा जिस तरह हजरत मोहम्मद सल्लम की शजर नसब महफूज है हजरत आदमी सल्म तक बायदा यानी क्लियर कट नेम्स है फैमिली नेम्स है कि किस से किस तक वो लिंक करते हजरत मोहम्मद के शजरा फुली डिटेल अवेलेबल है हज़रत आदम पे जाके रुकती है तो वो एक एनसटर था और यहाँ इस केस में हजरत महमल्लम एक डिसडेंट है मतलब कि वो किस तरह उसका नसल फॉलो रहता है और किस बात के थ्रू हजरत मोहम्मद तक उसका यानी शजरा पहुँचता है आदमी सलाम से तो इसी तरह यहाँ पे वो तो फैमिली टू फैमिली यहाँ पर हम एवोल्यूशन की बात करते हैं एवोल्यूशन मीन के बहुत ज्यादा टाइम हो सकता है इसके दरमियान एक डिसेंडेंट और एनसेस्टर के दरमियान ट्वेंटी मिलियन ईयर्स भी हो सकते हैं फिफ्टी मिलियन ईयर्स भी हो सकते हैं तो इसमें दरमियान में बहुत ज़्यादा अरसा गुजरा होता है इस वजह से बहुत ज़्यादा फॉर रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं तो उनको लिंक करवाना और एक अनब्रोकन सीरीज एक डिसेंडेंट को उसके एंसिस्टर के साथ लिंक करवाना थ्रू प्रॉपर स्पीशी के इस स्पीशी से ये बना फिर उस स्पीशी से उससे पहले वाला बना और फिर इस तरह आप पीछे चलते जाए और आखिर पे एंसेस्टर पे रुक जाए कि इस एंसेस्टर से ये स्पीशी इस पाथ ऑफ स्पीशीज की थ्रू इवॉल्व हुआ है क्लियर तो इसको फाइलेटिक लीनेज कहते हैं तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल लीनेज से मुराद हाइपोथेसिस बेस्ट क्योंकि मैंने आपको कहा था, था, था इससे पहले लेक्चर में कि क्लैडिस्टिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेस्ट है यानी हाइपोथेसिस प्रेजेंट करते हैं हाइपोथेसिस को फिर टेस्ट करने लगते हैं तो हाइपोथेसाइज़ है करते हैं ये नहीं कहते कि हंड्रेड परसेंट वी आर श्योर कि ये इस तरह की क्लासिफिकेशन या एवोल्यूशन रिलेशनशिप मौजूद है अगर ये बहुत ज्यादा स्टडी भी करे डिटेल स्टडी भी करे बहुत वेलिड पॉइंट्स के साथ करे और फिर हाइपोथेसाइज करे कि ये फ्ला फ्ला एनिमल एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से रिलेटेड है और ट्री ड्राइग्राम उस हाइपोथेसिस के बेस पे स्टडी के बेस पे बनाए तो फिर भी ये शोर नहीं कहते कि इस तरह यानी फर्दर फ्यूचर में ये ऑप्शन छोड़ देते हैं कि इसको फर्दर हम स्टडी करेंगे शायद विद द पैसेज ऑफ टाइम विद डिटेल इंफॉर्मेशन फ़र्दर फ्यूचर में मज़ीद इंफॉर्मेशन आने से ये क्लासिफिकेशन चेंज हो ये जिस तरह हमने कहा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो शायद ये इस तरह ना हो इससे हटके हो ठीक है तो इस वजह से हाइपोथेटिकल सो क्लैडोग्राम इज एक्चुअली अ हाइपोथेटिकल एक्चुअलीटिकल यानी या सिंपल द हाइपोथेटिकल दाइपोटिकल शोन इन डायग्राम इज कॉल्ड क्लैडोग्राम वो मैंने नीचे बता दिया कौन सा डायग्राम की तरफ इशारा है तो यहाँ पे तो हम प्रॉपरली इसको इस तरह डिटेल से नहीं पढ़ रहे

किस तरह अराइज हुआ है यानी कॉडेटा है तो कॉडेटा के जितने भी डेराइव कैरेक्टर है वो किस तरतीब से ये ओरिजिनेट हुए है इवॉल्व हुए है ठीक तो क्लाडोग्राम डिपिक्स गिव सीक्वेंस इन द ऑरिजन ऑफ डेराइव कैरेक्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी ये सब डेराइव कैरेक्टर है बी सी एच डी ई एफ जी एच ये सारे डेराइव कैरेक्टर हैं ठीक है या डी सी कर दे तो हर लिहाज हर एक अपने लिहाज से डेराइव कैरेक्टर है ठीक क्योंकि आप क्लासिफिकेशन में कंसिडर करेंगे तो एक लेवल पे ई की सेम कैरेक्टर बेसिक होगा और दूसरे सेंस में अगर फिर लेंगे तो फिर वही कैरेक्टर बेसिक कंसिडर होता है वो किस तरह वो फिर आगे मैं बताऊँगा ठीक है लेकिन यहाँ पे यानी ये बेसिक कैरेक्टर हुआ इन सब के लिए या बी इज़ द बेसिक कैरेक्टर फॉर वन टू थ्री फोर क्योंकि ये बी यहाँ पे ये सब में कामन है फोर में भी है थ्री में भी है टू में भी है और वन स्पीशी में भी है यानी हमने पांच स्पीशी या पांच टैक्सा लिए है एक आउट है पाँच वन फिफ्थ वन सॉरी और वन टू थ्री फोर जो है ये क्या है ये आउट नहीं है यानी इन चार के कंपैरिजन में इसको आउट ग्रुप लिया है तो बी इज़ द बेसिक कैरेक्टर फॉर दीस फोर टैक्सा क्योंकि इन फोर के अंदर ये बी वाला कैरेक्टर बी मीन एनी कैरेक्टर ठीक है बी हमने सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर लिया है कि बी इज अ कैरेक्टर लेट्स तो ये बी कैरेक्टर इन सब में मौजूद है तो इसको बेसिक कैरेक्टर कहेंगे ठीक है क्लियर हुआ लेकिन फिर डी इज द डेराइव कैरेक्टर फॉर दिस ग्रुप तो ये पता लगाना कि पहले बी ये कैरेक्टर है ये तो हमने तरतीब अपने लिए आसान कर दी लेकिन ये भी हो सकता है कि ये डी वाला कैरेक्टर यहाँ पे हो और ये फर्स्ट आरइ हुआ हो इन दोल्यूशन ऑफ दिस ग्रुप एज अ डेराइव कैरेक्टर ठीक है या सी वाला पहले ओरिजिनेट हुआ हो तो ये तरतीब देना कि कौन सा डेराइव कैरेक्टर इस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में इस ग्रुप की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कौन सा कैरेक्टर यानी जो डिराइव कैरेक्टर है वो पहले हुआ है या सब कैरेक्टर एक ग्रुप के किस से अरेंज कर सकते हैं यानी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पहले कौन सा दूसरा कौन सा तीसरा कौन सा चौथा अपेयर हुआ है ठीक है तो क्लाइडोग्राम डिपेक्ट गिव सीजन ऑफ डिराइव कैरेक्टर ब्रांच बिटवीन ग्रुप्स ब्रांच पॉइंट्स आर नोड्स रिप्रेजेंट ते हैंजेंट एन यहाँ पे डाइवर्जेंस हुए यानी देखे ये एक लाइन ऑफ एवोल्यूशन है मैन यानी ये इस आउट ग्रोप का यानी पांचों के पांचों टेक्जा का क्या है एनसिस्टर लाइन ऑफ एवोल्यूशन है यहाँ पे एनसेस्टर एग्जिस्ट करता है ठीक है अब ये फर्स्ट डाइवर्जिंग पॉइंट है इसको नोड भी कहते हैं ब्रांच पॉइंट भी कहते हैं क्यों ब्रांच पॉइंट कहते हैं ये देखिए ये मेन लाइन ऑफ एवोल्यूशन है इस तरह ठीक है ये जो सीधा गया है इनकलाइनली ये मेन लाइन ऑफ एवोल्यूशन है ठीक है ये ये वाला अब इससे ये ब्रांच से देखिए ठीक है ब्रांच वन फिफ्थ का है फिर ब्रांच टू थ्री और फोर का है और ब्रांच थर्ड नंबर जो ब्रांच है वो सेकंड का है और इस तरह फर्स्ट ब्रांच भी टॉप पे मौजूद है ठीक है तो ये ब्रांच पॉइंट्स ये ब्रांच पॉइंट ये ब्रांच पॉइंट ये ब्रांच पॉइंट ये सीधा लाइन मेन लाइन ऑफ इवोल्यूशन शो कर रहा है और ये डाइवर्जिंग पॉइंट शो कर रहा है कि इवोल्यूशन हो रहा था अचानक ये इससे पहले ये एक किस्म थे इस वजह से सिंगल लाइन नो ब्रांच बिफोर लेकिन अचानक कुछ डिसेंडेंट उस एनसेस्टर के कुछ डिसेंडेंट पैदा हुए तो ये दो वेराइटी में बन गए एक वही पुराना एनसेस्टर वेराइटी और दूसरा जो नई वेराइटी बनी उसको हम एज अ ब्रांच ऑफ शो करते हैं कि ब्रांच निकल गया क्योंकि उसमें एक नए कैरेक्टर आ सकते यहाँ पे तो हमने मेंशन नहीं किया क्योंकि हमने इसको फाइव आउट ग्रुप लिया है लेकिन इस फाइव का अपना एक कैरेक्टर होगा लेट्स से मैं कह देता हूँ इसका ये जिस तरह बी डी ये हमने लिखे है तो इस तरह इस तरह मैं लिख लेता हूँ इसका लेट से जेड कैरेक्टर ठीक है तो ये जेड कैरेक्टर क्या है इस आउट ग्रुप का यानी इस फिफ्थ ग्रुप का फिफ्थ एग्जाम का क्या हुआ ये बेसिक कैरेक्टर इसके लिए तो बेसिक है लेकिन इस पूरे ग्रुप के लिए यानी जो जिसके अंदर वन टू थ्री फोर फाइव ये आते हैं लेट से ये आप कॉर्डेट ले ले कि कॉर्डेट ग्रुप है तो कॉर्डेट में एक फिशेस होते ठीक है फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल बर्ड्स और इस तरह मेमल या पाँचों के पाँच ले सकते हैं फिशेस रिप, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स ये जस्ट मैंने आपको सिमुलेट करने के तो ये कॉर्डेटा फुल ग्रुप हुआ अब उसके अंदर ये लेट से फिश हुआ ये एम्फीबियन ये रेप्टाइल ये बर्ड्स और ये मैम लेट्स है ठीक है इस तरह नहीं होता लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ तो अब मुझे बताएं कॉडेट्स के अंदर ये Z कैरेक्टर ये D कैरेक्टर ये C कैरेक्टर ये B कैरेक्टर ये H कैरेक्टर और ये G कैरेक्टर ये सारे क्या हुए ये डेराइव्ड कैरेक्टर है किसके लिए कॉडेटा के अंदर यानी फॉर कॉडेटा दीज आर डेराइव कैरेक्टर लेकिन अगर इसके अंदर हम फिर बात करें कि ग्रुप फाइव के लिए क्या है ये Z कैरेक्टर क्या है ये उसका बेसिक कैरेक्टर है क्योंकि ग्रुप फाइव के सारे मेंबर में ये कैरेक्टर मौजूद होगा तो फॉर ग्रुप फाइव ओनली कैरेक्टर इज द बेसिक कैरेक्टर इज इट क्लियर इस तरह D इज द बेसिक कैरेक्टर फॉर थ्री एंड फॉर बोथ वाइल इज ओनली द बेसिक कैरेक्टर फॉर थ्री एन फोर की लिए फ, एफ सिर्फ बेसिक कैरेक्टर है इज इट क्लियर तो ये डिफरेंस हुआ यानी हम लेवल की अगर हम कॉडेट्स के बात करें तो कॉडेट्स की बात करेंगे तो कॉर्डेटा के लिए पे नोटोकार्ड पोस्ट एनल टेल डार्सल स्लिट्स एंड इंडोस्टाइल या ताराइड लैंड ये बेसिक कैरेक्टर है लेकिन अगर आप सिर्फ कॉडेटा ग्रुप को कंसिडर करते हैं लेकिन अगर आप कॉडेटा को हिस्सा कंसिडर करते हैं फुल ड्यूट्रोस्टोम ग्रुप का यानी फुल ड्यूटोस्टोम क्लैट का तो ड्यूटोस्टोम के अंदर कौन कौन से मेन तीन ग्रुप आते हैं इकाइनोडम्स भी आते हैं कॉडेटा भी आते हैं और कॉडेटा भी आते हैं तो ये तीनों पेडोस्टोम के अंदर आते हैं तो पेर ड्यूट्रोस्टोमा के लिए अगर हम कहें कि नोटोकार्ड इज द बेस कैरेक्टर ऑफ ड्यूट्रोस्टोम तो ये गलत होगा वजह यह है कि सब ड्यूट्रोस्टोम में या कैरेक्टर नहीं पाया जाता नोटोकार्ड इस वजह से उसको हम उसका बेसिक कैरेक्टर या मार्फी नहीं कह सकते फॉर ड्यूट्रोस्टोम क्लियर हुआ लेकिन उस ड्यूट्रोस्टोम के अंदर हम ये कह सकते वन ऑफ द डराइव कैरेक्टर इन ड्यूट्रोस्टोम इस नोटोकार्ड जिसके बेस पे हम ड्यूट्रोस्टोम में से कॉडेटा को अलहदा करते हैं यानी एक ग्रुप बनाते हैं एक सब ग्रुप बनाते हैं ड्यूटोस्टोम का तो वो किस कैरेक्टर के बेस पे बनाते हैं वो नोटोकार्ड के बेस पे बनाते हैं तो वो ड्यूटोस्टोम जिनमें नोटोकार्ड होगा तो उसको हम क्या कहते हैं कॉडेट्स कहते हैं तो अब डिटोस्टोम के लेवल पर अगर आप बात करते हैं कि नोटोकार्ड ड्यूटोस्टोम के लिए बेसिक कैरेक्टर है या डिराइव कैरेक्टर है तो ये कैरेक्टर उस केस में है लेकिन अगर आप कॉर्डेट के लिए बात करते हैं कि कॉर्डेट के लिए ये डिराइव कैरेक्टर है या बेसिक कैरेक्टर है यानी तो ये फिर कॉर्डेट के अंदर ये बेसिक कैरेक्टर है ठीक है नॉट अ अडेराइव कैरेक्टर फोर लिम्स का होना ये कॉर्डेट के लिए एक डेराइव कैरेक्टर है क्लियर हुआ वर्टेब्रल कॉलम का होना ये कॉर्डेट के लिए एक डेराइव कैरेक्टर है यानी कोडेट का डेराइव कैरेक्टर है बेसिक कैरेक्टर नहीं है फिर लेकिन यही वर्टेब्रल कालम का मौजूद होना ये फिर वर्टेब्रेट के लिए क्या है बेसिक कैरेक्टर है तो यही बात करें ब्रांच पॉइंट्स आर नोड रिप्रेजेंट पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस यानी डाइवर्जेंस पॉइंट बता रहे वी आर टू ग्रुप्स डाइवर्ज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर तो ये मैंने बताया ये टू ग्रुप्स है यहाँ पे आ गया ना यानी ये देखे ये एक डाइवर्जिंग पॉइंट है तो ये डाइवर्जिंग पॉइंट से दो ग्रोप सराइज हो रहे हैं एक कामन स्पीसी से कॉमन एनसेस्टर से यानी इससे पहले ये कामन लाइन शो क्यों कर रहे क्योंकि यहाँ पे एक एनसेस्टर ई की किस्म है फिर ये दो में डिवाइड हुआ तो दिस इज कॉल्ड ब्रांचिंग पॉइंट दीज आर कॉल्ड ब्रांचिंग पॉइंट इन द द्लेडोग्राम और इसको नोड भी कहते हैं और ये एक्चुअली किस बायोलॉजिकल फैनमिना को शो करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को ठीक है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इंटरप्रेटेड एज अ फैमिली ट्री डिपेक्टिंग क्या है सॉरी क्लाइडोग्राम क्या है इज इंटरप्रेटेड एज अ फैमिली ट्री यानी इसको हाँ आप फैमिली ट्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं जो डिपेक्ट करता है हाइपोथेसिस रिगार्डिंग अ मानोफाइलेटिक कि कॉर्डेटा मानोफाइलेटिक है ना क्योंकि उसका एंसेस्टर और उसके सारे डिसेंडेंट कॉर्डेट के अंदर मौजूद है वो ग्रुप जो एक एंसेस्टर से डिसेंड हुआ हो और उसमें सारे एंसेस्टर सॉरी एक एंसेस्टर और उसके सारे डिसेंडेंट उसके अंदर ग्रोप्ट हो तो इसको हम मानोफाइलेटिक कहते हैं तो कॉर्डेटा एक मानोफाइलेटिक है तो हर मानोफाइलेट एक ग्रुप के एक फैमिली ट्री ड्रा करना मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उसमें ट्रेस करना और उसमें अंदर सब ग्रुपिंग करने के लिए हाइपोथेसिस इस्टेब्लिश करते हैं से हम कॉर्डेट में कहते हैं कि पाइसिसदा क्लास आ, एम्फीबिया अलीहदा क्लास रेप्टी अलीहदा क्लास बर्ड्स अलीहदा क्लास और मेमिली अलीहदा क्लास तो हम क्यों ये फाइव ग्रुप्स बनाते हैं या हैं बनातेडेटा के अंदर उसके पीछे रीजनज होते हैं इन्होंने हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया होता है कि वी कैन ग्रोप देम आर ये फिशज है फिशज से, से फिर एम्फीबियन ईवाल्व हुआ एम्फीबियन से फिर रेप्टाइल इवाल हुआ रेप्टाइल से फिर दोनों मैमल अलीहदा ईवाल्व हुआ और बर्ड्स अलीहदा ईवाल्व हुआ यानी वहाँ पे फिर हम ये नहीं कहते कि रेप्टाइल से बर्ड्स ईवाल्व हुए और बर्ड से मैमल इवाल्व हुए ठीक है इस तरह नहीं है हम बस उस जगह पे फिर कहते हैं कि रेप्टाइल से बर्ड्स बर्ड्सा ईवाल्व हुए और मैमल अलीहदा ईवाल्व हुए

कि एक एंसेस्टर से एक स्पीशी किस तरह ओरिजिनेट होते तो उस मेन लाइन ऑफ अनब्रोकन सीरीज ऑफ द स्पीशी फ्रॉम एंसेस्टर टू दैट लिंक अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज दैट लिंक एन एंसेस्टर विद इज डिसेंडेंट या विद एन डिसेंडेंट विद इट्स एंसेस्टर तो इसको फाइलेटिक लाइन कहते या फाइलेटिक लिनेज कहते तो मोनोफाइलेटिक लिनेज मोनोफाइलेटिक ग्रुप का जो

फ्यूचर में एक साल दो साल बाद फिर नई स्टडी की, मज़ीद नए कैरेक्टर्स के बेस पे तो वो पुराना जो डेटा है वो पुराना क्लेडोग्राम रिजेक्ट भी हो सकता है या मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ठीके? तो न्यू डेटा इस फॉर्म नई डेटा बार बार यानी ये बार बार चेक करते हैं ये नहीं है कि बस एक दफ़ा क्लासीफाई किया और छोड़ दिया ग्रोपिंग की और फाइलोजिनेटिक ट्री डाइग्राम ड्रा किया यानी क्लेडोग्राम ड्रा किया और बस छोड़ दिया यानी बार बार ये नए नए कैरेक्टर्स देख के उसके बेस पे स्टडीज करवा के और बार बार री इवालवेट करते हैं अपने उस पुराने कैलेडोग्राम को इन्वेस्टिगेट करते हैं ठीक है और इट गिव री इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा या पुराने डेटा को रीअरेंज करना वापस ये उसके पीछे भी लग जाते हैं या लग सकते हैं द न्यू डेटा इज यूज टू तो टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट द कैलेडोग्राम ठीक यानी जो पुराना हाइपोथेसिस था कि हमने कहा कि लेट्स के कॉडेटा में हम पाइसिस एक क्लास पेर एम्फीबिया और एम्फीबिया इवॉल्व हुए एम्फ, फिशेस से ठीक है और फिर एम्फीबियन से रेप्टाइल इवॉल्व हुआ और रेप्टाइल से बर्ड्स बर्ड्सा और मैम अलीहदा ये एक लेट से हाइपोथेसिस हमने प्रेजेंट किया और उसके बेस पे क्लैडोग्राम भी ड्रा किया लेकिन साल दो साल बाद कुछ नए कैरेक्टर के बेस पे हमने स्टडीज़ की और उस स्टडीज़ ने ये उसके मुताबिक फिर हमने क्लैडोग्राम को थोड़ा सा यानी उस पुराने क्लेडोग्राम को अब हम टेस्ट कर रहे तो वापस दोबारा टेस्ट कर रहे कि वो ठीक था या ठीक नहीं था तो मजीद स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि जो पुराना क्लैडोग्राम है मैं भी वो गलत था उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आए जाते हैं और चेंजेस लाए ला जाते हैं तो उसको चेंज किया जाता है अकॉर्डिंगली एग्जांपल्स यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे तो आप क्लैडोग्राम को डि समझ पाएंगे ठीक है कि इसमें डिराइव्ड और प्लीज्यू का क्या कंसेप्ट है डिराइव कैरेक्टर का और बेसिक uh, कैरेक्टर का तो एक हम फर्स्ट हाइपोथेटिकल क्लैडोग्राम लेते हैं जिसके थ्रू आप समझ जाएंगे कि डिराइव्ड और बेसिक कैरेक्टर और क्लैडोग्राम किस तरह दिखता है फिर एक सिंपल प्रॉपर वर्टेब्रेड वर्टेब्रेट क्लेडोग्राम लेंगे एक एग्जांपल के तौर पे मतलब वो उसमें वर्टेब्रेट के कैरेक्टर्स वगैरह मेंशन हो और ग्रुप्स मेंशन हो बहुत ब्रीफ है फिर एक डिटेल वर्टेब्रेट क्लेडोग्राम उसमें ज्यादा बारीकी से ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग और ज्यादा डिटेल फीचर्स दिए होंगे डेराइव कैरेक्टर्स दिए होंगे जिसके बेस पे वॉटलेट के अंदर ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग करते हैं ठीक है तो फर्स्ट सिंपल क्लैडोग्राम हाइपोथेटिकल क्लैडोग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग सिंप्लीजियो मारफी एंड सैनपो मतलब कि आप डेराइव कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर के दरमियान यानी सिंपलिजी मारफी जो बेसिक कैरेक्टर है और साइनापो जो डिराइव्ड कैरेक्टर है उन दोनों के दरमियान फ़र्क समझने के लिए ये फर्स्ट डायग्राम है और इससे पता चल भी जाएगा आपको कि दिखता किस तरह है ये ट्री डायग्राम की तरह नहीं है थोड़ा बहुत डिफरेंट है वो डिफरेंस हम फिर बाद में पढ़ेंगे ठीक है तो अब देखे दिस हाइपोथेटिकल शो फाइव टेक्सा टेक्सा मीन जर्नल वर्ड यूज किया है मतलब ये एक स्पीशी ये पांच स्पीशी भी हो सकते हैं कि स्पीशी वन टू थ्री फोर फाइव या ये जीनेस भी हो सकते हैं जीनस वन टू थ्री फोर फाइव या ये फैमिलीज भी हो सकते हैं एक ऑर्डर के फैमिली वन टू थ्री फोर फाइव या ये किसी क्लास के अंदर फाइव ऑर्डर भी हो सकते हैं ऑर्डर वन टू थ्री फोर फाइव तो एनी लेवल ऑफ टेक्सानिकरारकी का ये ग्रुप हो सकता है इसी वजह से ये हाइपोथेटिकल यानी हमने कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म या रैंक शो नहीं किया है क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होंगे उसमें कम्प्लेक्सिटीज आ जाती है इसके नेक्स्ट डायग्राम में आप समझ जाएंगे कि कम्प्लेक्सिटी से मेरा मुराद क्या है तो ये हाइपोथेटिकल डायग्राम लिया है उसमें फाइव टैक्स लिया है फाइव स्पीशी आप ले सकते हैं कि वन टू थ्री फोर फाइव स्पीशीज है और इस फाइव स्पीशी में आपस में रिलेशनशिप ये क्लैडोग्राम बता रहा है और ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच है दीज आर कैरेक्टर्स ठीक है इसमें फिर का क्या है और यू कैरेक्टर्स कौन से है तो दिस हाइपोथेटिकल शो फाइव दिसिकल टेक्न टू फाइव द कैरेक्टर्स टेक् से मैंने आपको ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म तो वो ग्रुप एक स्पीशी भी हो सकता है वो जीनस भी हो सकता है एक एक ये वन अलीदा जीनस टू अलीदा जीनस थ्री अलीदा जीनस फोर अलीदा जीनस और फाइव अलीदा जीनस या ये अलेदा अलेदा भी अब यानी से, से मुराद, आप जीनस भी ले सकते स्पीशी भी ले सकते फैमिली भी ले सकते ऑर्डर भी ले सकते हैं ठीक है सो इंटरप्रेटे के लिए ये हमने एक हाइपोथेटिकल डाइग्राम लिया जिसमें हमने फाइव टैगजा ली वन टू फाइव से नेमिंग किए और कैरेक्टर्स लिए है ए

फिर तीसरा किस तरह डाइवर्ज हुआ और इस तरह लास्ट में कौन सा डाइवर्ज हुआ सो दिस हाइपोथेटिकल डाइग्राम इज फॉर द रिलेशनशिप फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इज द आउट ग्रुप ये आउट ग्रुप ऊपर लिखा है ठीक है फाइव टेक्सान फाइव एक आउट ग्रुप है टेक्जान से मुराद ये स्पीशी फाइव भी ले सकते है. स्पीशी नंबर फाइव ठीक है यानी ये पांच नेम है तो ये स्पीसी फाइव या जीनस फाइव भी ले सकते हैं ठीक है ठीके? कोई भी मैं बार बार मैंने बताया टेगजान से मुराद एनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म तो यहाँ पे स्पीशी जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम आप जो भी ले सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये टेगजान फाइव हम स्पीशी लेट से कंसिडर करते हैं या ग्रुप या जीनस या क्लास कंसिडर करते हैं ठीक है कि ऑर्डर के क्लास के अंदर ये ऑर्डर ठीक है या फाइलम के अंदर ये ऑर्डर है से फाइव ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल उट ग्रुप फॉर टेक्नोर टेक्न के लिए आउट ग्रुप है क्यों आउट ग्रुप सिर्फ एक एनसेस्टल कैरेक्टर शो करता है विद टैक्सा वन टू फोर यानी इन चार टेक्जा के साथ ये सिर्फ कौन सा कैरेक्टर शेयर कर रहा है ए कैरेक्टर क्योंकि ये यहाँ पे मौजूद है यानी बिफोर द डाइवर्जिंग पॉइंट ऑफ फाइव A has A sorry five टैगजान has this character क्योंकि ancestor में A character था इस वजह से इन सब में ये descendant है इसके ना यहाँ पे जो main line है यहाँ पे जो भी ancestor था उसके ये भी descendant है और ये भी descendant है तो character A वाहिद ऐसा character है जो five का common है इनके साथ और इसी वजह से इस पूरे ग्रुप के लिए ये जो स्क्वायर ब्लॉक दिया है ठीक है यानी वन टू फाइव टेक्सा इस पूरे ग्रुप के लिए ये जो भी है वो क्लास है फाइल में जो भी है इसके लिए कैरेक्टर ए क्या है एनसेस्ट्रल कैरेक्टर है ठीक है कैरेक्टर ए इज देयर फॉर सिंपल्यूज यू मार्फिक फॉर द एंटायर ग्रुप बोथ आउट ग्रुप एंड स्टडी ग्रुप स्टडी ग्रुप हमारा क्या है वन टू फोर वन टू थ्री फोर इसको हम स्टडी कर रहे हैं हम इसमें ही फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पता लगाना चाहते हैं आपस में ठीक है कि किस तरतीब से ये इवॉल्व हुए लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें पता लगाना है कि प्लीज कौन से है इन चारों के और पूरे ग्रुप के लिए यानी तो इसके साथ हम एक आउट ग्रुप लेंगे यानी ग्रुप फाइव एज ए आउट ग्रुप हमने लिया जो थोड़ा सा दूर का रिलेटिव है इन चारों का ठीक है तो दूर का रिलेटिव मतलब ये सिर्फ ये एक कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं ग्रुप फाइव इन चारों के साथ तो कैरेक्टर ए क्या हुआ ये सिंपली जु मार्फिक हुआ क्यों सिंपली ज्यू मार्फिक क्योंकि ये अन्सेस्ट्रल कैरेक्टर है और सब में ये मौजूद होगा यानी वन में भी होगा टू में भी होगा थ्री में भी होगा फोर में भी होगा फाइव में भी होगा तो सब में मौजूद होने की वजह से इस एनसेस्ट्रल कैरेक्टर को हम क्या कह सकते हैं सिंपली मार्फिक कह सकते हैं ठीक है यानी में भी है और स्टडी ग्रुप में भी है अब ये सिर्फ स्टडी ग्रुप के लिए सिंपली मार्फी नहीं है बल्कि फुल इस ग्रुप के लिए इंक्लूडिंग फाइव, इसकी मार्फी है ठीक है तो वैसे कैरेक्टर तो एक दो तीन चार पांच का क्या हुआ ए कैरेक्टर हुआ फर्दर ऑल अदर कैरेक्टर आर मोर रिसेंटली डिराइव ठीक है जो बाकी कैरेक्टर है ये derived है यानी डेराशन में बाद में यानी पहले ये कैरेक्टर इनके सिस्टर में था अब बाद में इवोल्यूशन हो रही है तो कैरेक्टर ए जो है ये फाइव ग्रुप में भी होगा क्योंकि उससे डाइवर्ज तो जिस तरह मैंने जेड कैरेक्टर का एग्जाम्पल लिया तो ये एक खास कैरेक्टर के बेस पे अलीहदा हमने किया होता है क्योंकि कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे फाइव में जो इनके सिस्टर में नहीं थे या ये बाकी डिसेंडेंट पे नहीं है इस वजह से उस कैरेक्टर लेट से दोबारा लिख देता हूं अब इस एक के पे ये ऐसा कैरेक्टर है कि ये इसके एंसेस्टर में भी नहीं था और इस बाकी डिसेंडेंट में भी नहीं है तो इट मींस कि ये डिराइव्ड कैरेक्टर है इस पूरे ग्रुप के लिए यानी आउट ग्रोप और स्टडी ग्रुप कंबाइन इनके लिए ये एक डिराइव कैरेक्टर है लेकिन आउट ग्रोप फाइव फाइव को हमने इससे डाइवर्स क्यों किया है सो बिकॉज ऑफ द ऑरिजिनेशन ऑफ दिस जड कैरेक्टर क्योंकि एनसिसटर में जड कैरेक्टर नहीं था तो एक टाइम गुजरने के बाद इस पॉइंट पे यानी ये टाइम जो भी है दस मिलियन ईयर पहले है पाँच मिलियन ईयर पहले इससे इस स्टेज इस पे कुछ डिसेंडेंट इस एंसेस्टर के पैदा हुए यानी कुछ एनिमल्स ऐसे पैदा हुए जिसमें ये कैरेक्टर अपेयर होना शुरू हुआ और ये कैरेक्टर फिर परमानेंट बन गया कुछ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन का या डिसेंडेंट का और वो फिर अलग स्पीशी बन गई जिसको फिर हम स्पीशी फाइव कहते हैं ठीक है तो ये जेड कैरेक्टर आगे एनसेस्टर मूव कर रहा है ठीक है वो उसी तरह अपने सेम कैरेक्टर्स के साथ इवॉल्व हो रहा है लेकिन कुछ डिसेंडेंट पैदा हुए इससे पहले जो Z कैरेक्टर रखते थे तो Z कैरेक्टर बाकी नॉर्मल एंसेस्ट्रल में नहीं था जो मैन एंसेस्टर की तरह थे लेकिन उस एंसेस्टर से कुछ डिसेंडेंट ऐसे पैदा हुए कि वो क्या थे यानी जिस तरह माँ बाप तो जिंदा रहते हैं ना जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप जिंदा रहते हैं तो इसी तरह ये एंसेस्टर मौजूद थे लार्ज नंबर में लेकिन इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे पैदा हुए नेक्स्ट जनरेशन में कि उसमें जेड कैरेक्टर अपेयर हुआ और उस जेड कैरेक्टर के बेस पे वो आगे एक सेपरेट स्पीशी बन गई जिसको आज यहाँ पे हमने स्पीशी फाइव कहा है ठीक है तो ये जेड कैरेक्टर क्या हुआ एक डिराइव कैरेक्टर हुआ इस पूरे ग्रुप के लिए यानी इंक्लूडिंग वन टू थ्री फोर फाइव द स्टडी ग्रुप एज वेल एज द आउटग्रोथ इन सबको लेट्स को let's say ये एक फाइलम है ठीक है ये एक फाइलम मैंने लिया ये एक फाइलम फुल ये ब्लॉक वन टू थ्री फोर फाइव दे कंपोज अ कम्पोज दे इंक्लूड इन इनक्लूडेड इनम अब ये फाइलम का जेड कैरेक्टर जो है ये क्या है डिराइव्ड होगा या इंसेस्टर होगा सिम्प्लीयो मार्फिक होगा या ए सैनपो मारफिक होगा ये साइनापो मारफी है फाइलम के लिए ठीक है इस फाइलम लेट्स एक्स के लिए फाइलम एक्स है तो इस फाइलम एक्स के लिए जो जेड कैरेक्टर है ये क्या है साइनापो मारफी है लेकिन कैरेक्टर ए इसके लिए क्या है सिम्प्लीजियो मारफी है फाइलम एक्स का क्योंकि ये एक ग्रुप में अंदर सिर्फ मौजूद है और इस वजह से ये डेराइव कैरेक्टर और ये इसके अंसस्टल कैरेक्टर है और सब मेंबर्स में इसमें भी मौजूद इसमें भी इसमें भी इसमें भी क्योंकि ये बिल्कुल बेस ऑफ द क्लैडोग्राम मौजूद है इट मीन्स कि ये कैरेक्टर इस जगह पे अपेयर हुआ था तो अगर ये यहाँ पे अपेयर हुआ था तो ये आगे भी मौजूद था ठीक है आगे भी इसमें भी मौजूद है इसमें भी इसमें भी यानी ये नहीं है कि हम यहाँ पे लिख नहीं रहे तो ये यहाँ पे गायब हुआ ये मौजूद है अगर यहाँ पे हम एक कैरेक्टर शो करते तो इट मीन्स कि ये इसमें भी मौजूद है इस पे भी मौजूद है इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है ठीक हुआ सो कैरेक्टर इज फॉर द इंटायर ग्रुप ऑफ इंटायर ग्रुप मतलब बोथ आउट ग्रुप और स्टडी ग्रुप आप कंसिडर करेंगे सो so, बाकी सब कैरेक्टर्स ए के अलावा क्या है इस दोनों कंबाइंड फाइलम एक्स के लिए लेट्स है जो मैंने कहा ये डेराइव कैरेक्टर है ठीक है

ठीक है तो फिर बी इज द डेराइव कैरेक्टर बी इज द डेराइव कैरेक्टर ऑफ वट बी इज द डेराइव कैरेक्टर ऑफ वन टू थ्री फोर और ये सब ये डेराइव कैरेक्टर बी शेयर कर रहे यानी बी कैरेक्टर इसमें भी होगा बी कैरेक्टर इसमें भी फाइल एक्स का जो बी कैरेक्टर है ये इस चार ग्रुप्स टेगजान में होगा उसके अंदर सब ग्रुप में होगा पांच में नहीं है ठीक है पाँच में सिर्फ ये जड मैंने जो मेंशन किया था वो आप ले सकते ठीक है तो ये सिर्फ ये भी साथ साथ बता रहा है कि कौन सा कैरेक्टर रीसेंट डेराइव कैरेक्टर है तो ये रीसेंट डेराइव कैरेक्टर है ये रीसेंट डेराइव कैरेक्टर है एज कम्पेयर टू सी एच इज़ अ रीसेंट डेराव कैरेक्टर एज कम्पेयर टू सी जी इज़ अ रीसेंट क्योंकि ये बाद में ये मैंने आपको बताया था कि क्लेडोग्राम में हम यानी टाइम यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है यानी बहुत अरसा पहले और ये जैसी इस तरफ हम मूव करते हैं और ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो ये रीसेंट टाइम हमारे तरफ नजदीक बताए मॉडर्न टाइम के मुताबिक ठीक है यानी मॉडर्न टाइम के मौजूदा दौर के नजदीक शो करते हैं यानी डायरेक्शन इस तरह है स्ट्री डेडोग्राम का इस तरह और ऊपर की तरफ तो इस वजह से हम कहते हैं कि एच इज कैरेक्टर देन सी फॉर दिस ग्रुप सिमिलरली डाइव कैरेक्टर सी एंड डी अरोज मोर कैरेक्टर बी वो मैंने बताया ठीक है कैरेक्टर सी एंड डी ये देखिए डी बी यहाँ पे अराइज हुआ है मैंने आपको बताया ये टाइम बता रहा है पहले अंदाजतन एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता क्लाडोग्राम ठीक है लेकिन ये पहले अपेयर हुआ है यहाँ पे अपेयर हुआ इट मीन कि ये पहले अपेयर हुआ है एवोल्यूशन में ये पहले ओरिजिनेट हुआ था एनिमल्स में आ गया था ये कैरेक्टर अपेयर होना शुरू हुआ बी पेयर उसके बाद आया बी अब डेरा हम डाइव कैरेक्टर को कंपेयर करें तो बी इस ग्रुप का डेराइव फर्स्ट कैरेक्टर अपेयर होने वाला था फिर बी के बाद सी और डी अपेयर हुए तो डी ज्यादा रीसेंट डेराइव कैरेक्टर है बी के कंपैरिजन में और सी सी की कंपैरिजन में भी बी ओल्ड कैरेक्टर है डेराइव कैरेक्टर है बी की के कंपैरिजन में सी और डी रिसेंट कैरेक्टर है फिर इन दोनों के कंपैरिजन में ई और एफ क्या है और भी रिसेंट कैरेक्टर है ठीक है ये डिपेंड करता है कि आप किसके बात कर रहे हैं इससे तो अगर बी के कंपैरिजन में ई एफ की बात करें तो ये तो डेराइव कैरेक्टर है के बी के कंपैरिजन में लेकिन डी की कंपैरिजन में भी ई और एफ रिसेंट कैरेक्टर है यानी ये ज्यादा लेटेस्ट और अभी अभी ज्यादा दूर नहीं मौजूदा दौर से दूर ज्यादा दूर नहीं अपेयर हुए मतलब नजदीक मौजूदा दौर के तरफ नजदीक अपीयर हुए हैं ओरिजिनेट हुए टैक्सा दैट शेयर अ सर्टेन साइनो सॉरी सिमिलरली डिराइव्ड कैरेक्टर सी एंड डी अरोज मोर रिसेंटली देन कैरेक्टर बी क्लोजली रिलेटेड टैक्सा वन एंड टू शेयर कैरेक्टर सी वन और टू कौन सा डिराइव्ड कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं सी ठीक है तो 1 और 2 का शेयर्ड कैरेक्टर कौन सा है जो एक जैसा है यानी यहां पे है तो ये इनके एनसेस्टर थे वन और टू का एनसेस्टर स्पीशी था ये आगे आ गया रहा था तो डाइवर्जेंस हुई इस डायरेक्शन में और इसमें तो डाइवर्जेंस के बाद से पहले ये कैरेक्टर था जो सी में भी मौजूद है और टू में भी मौजूद है सॉरी वन में भी मौजूद है और टू में भी यानी द करेक्टर सी इज़ प्रेजेंट ऑन वन एंड टू बोथ दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि सी इज़ द ओनली कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम

ये दोनों कौन सा कैरेक्टर डिराइव्ड कैरेक्टर शेयर कर रहा है ये वाला टेक्ट शेयर अटन सैन एप मर्फी फॉर्म सबसेट कार्ड अकलेट वो टेक्सान जो एक या दो डिराइव कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं आपस में तो उसको हम फिर एक सब ग्रुप बना सकते हैं और उसको हम फिर क्लेट कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये देखे ग्रुप थ्री और फोर कौन सा डेराइव कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं डी तो दिस इज अ सेपरेट क्लेट ये हम अलहदा क्लेट बना सकते हैं एक सब सेट यानी एक सब ग्रुप बना सकते हैं इस पूरे बड़े ग्रुप के अंदर ठीक है और इस तरह सी के बेस पे हम इसको एक अलहदा सबसेट बना सकते हैं क्योंकि ये शेयर कर रहे क्या सी डेराइव कैरेक्टर ठीक है इस तरह वन को भी एज अ सबसेट हम ले सकते हैं क्योंकि वो शेयर कर रहे एच डेराइव कैरेक्टर इस तरह जी को एज अ सबसेट हम बना सकते हैं क्योंकि जी डू टू के अंदर जीनस है तो उसमें अंदर तीन चार स्पीशी हो सकते हैं तो जी के बेस पे हम टू को एज अ सबसेट बना सकते हैं तो एक मेन ग्रुप को हम सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू अ सबसेट्स और सब ग्रुप्स और बेस्ड ऑन व्हाट कैरेक्टर कैरेक्टर इस वजह से डिराइव कैरेक्टर को यूज किया जाता है एक में फॉर ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग इन अमाइनोफलेटिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स क्लियर हुआ ये तो क्लियर हुआ